नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। आपके साथ मैं हूं अंशु। होशंगाबाद सतपुड़ा टाइगर रिजर्व ने कई गांवों का विस्थापन तो कर लिया, मगर आज तक आदिवासी अपनी जमीन के लिए दर बदर भटक रहे हैं। आपको बता दें कि करीब 5 साल पहले विस्थापित हुए आदिवासियों की समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। हर वर्ष आदिवासी जिला मुख्यालय पर अपनी समस्या लेकर आते हैं और अधिकारी उनको आश्वासन देकर वापस लौटा देते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाता और वे भटकते रहते हैं। आदिवासियों ने कहा कि अगर शीघ्र ही हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ, आगे चलकर उग्र आंदोलन व चक्का जाम करेंगे। ऐसा ही मामला सतपुड़ा टाइगर वन ग्राम मालानी का आया है। यहाँ आदिवासी क्षेत्र के लोग आए और सतपुड़ा टाइगर के रिजर्व के क्षेत्र संचालक के कार्यालय के सामने आकर बैठ गए। उन्होंने विभाग से मांग की कि वे खेती करने के लिए उन्हें जमीन दी जाए और उनकी अन्य मांगों का निदान किया जाए। एसटीआर क्षेत्र संचालक एल कृष्णमूर्ति ने बताया, आदिवासियों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। यह मामला दो गांवों का है, दोनों ही विस्थापित हैं और एक ही जगह जमीन की मांग कर रहे हैं। गांव जाकर दोनों गांवों के लोगों को समझाइश दी जाएगी और उनकी समस्या का समाधान भी किया जाएगा। मालनी में रहती हूं और मेरे को जमीन चाहिए, जमीन नहीं मिली है जो 20 लोगों को, इसलिए हम लोग यहां आए हैं। नहीं तो हम लोग काहे के लिए आते? साहब से हम लोग कई बार बोलते हो गए कि हमको जमीन चाहिए, साहब लोग सुनते ही नहीं। यहाँ मस्त कुर्सी में बैठे हैं, पेमेंट झेल रहे हैं, हमारे बच्चे वहाँ भूखे रह रहे हैं, स्कूल भी नहीं जा रहे। पैसे रहेंगे हम जभी तो आगे उनको लिखाएंगे पढ़ाएंगे। आपके गांव में स्कूल है या नहीं? स्कूल है, लेकिन हम लोग भी सोच रहे हैं कि स्थापन उधर जंगल से हम लोग इधर निकल के आए हैं तो बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएं बाहर इंग्लिश मीडियम में, लेकिन हमको अभी ज़मीन ही नहीं नप रही है। 5 साल हो गए, 5 साल से ज़्यादा ही हो गए। अभी आप लोग रोज रोटी क्या करते हो? क्या करेंगे, यहाँ वहाँ जाते हैं काम करने, दिन भर बच्चों को ले कर धूप में पड़े रहते हैं, एक टाइम खाते हैं बच्चे खाना, राशन नहीं मिलता है। कहाँ से मिलता है? ये धाई से मिलता है तो राशन भी बंद है। राशन कार्ड बने सर, लेकिन कूपन नहीं है सर। तो मेरा नाम हरिपाल भल्ला भी है सर, और मैं नया माना बागरतावा के अध्यक्ष हूँ सर, विस्थापन समिति का। अंदर जैसे अपने एक माना को नहीं देखता हूँ सर, मैं विस्थापन समिति पूरे होशंगाबाद जिले में पूरे विस्थापन को देखता हूँ सर, कि वास्तव से क्या हमारे आदिवासी लोगों ने बेदखल किया है सर, सरकार ने जो वन विभाग ने, तो उसके लिए वास्तव से पूर्ण रूप से इनकी व्यवस्था हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, इनके समय क्या परेशानी है, क्या सुख है क्या? यहीं पे जो हमारी बोरी अभ्यारण्य क्षेत्र में रहने वाले थे सर, इसमें कई पीढ़ी से रहते थे सर वहाँ पे बोरी अभ्यारण्य क्षेत्र में, उसमें से वन विभाग ने और प्रशासन ने विस्थापन कराया सर, वहाँ से जमीन वहाँ से हटा के यहीं पे विस्थापन कराया सर। इसमें कुछ लोगों को जो पिंचानवे लोगों को जमीन दे दिया सर शासन ने, और 20 लोग ऐसे रह गए सर। इनकी स्थिति बहुत ख़राब है सर, क्योंकि इसमें सर 2017 में हम विस्थापन होकर आए थे सर, तो जो 95 लोगों को ज़मीन मिल चुका है सर और 20 लोगों को ज़मीन नहीं मिला सर। मांग जी हैं सर कि सर इन लोगों जो 20 लोग हैं इनको ज़मीन शासन दिया जाए, नहीं तो इनकी जो स्थिति बहुत ख़राब है सर, नहीं तो आगे भी इनका आंदोलन हो सकता है सर, चक्का जाम भी हो सकता है, बड़े स्तर से हमारी जो लड़ाई है वो। आदिवासी आए थे क्या समस्या? ये जो एक मालनी गांव का कुछ पार्ट के लोग हैं, फिर कामदा गांव का जो ज़मीन की कुछ विवाद है, ज़मीन में कोई कमी नहीं है। जब हमने भारत सरकार से पहले 100 हेक्टर लिया है, उसमें कामदा के लिए 50 हेक्टर और मालनी के लिए 50 हेक्टर लिया है, सो उसमें मालनी गांव को 50 हेक्टर मिलना, कामदा को 50 मिलना है। कुछ जो पुराना मालनी गांव के लोग आए हैं उनका ज़मीन कम पड़ने से हमने और भी ज़मीन भारत सरकार का भी प्रस्ताव बना के भेज दिया, वो भी मिल जाएगा। आपस में दोनों गांवों का समस्या ये है कि ये मतलब जैसे मैं ये बताऊं कि एक ज़मीन को इस तरफ पूरा दोनों लोग एक ही तरफ की ज़मीन मांग रहे हैं, वो नहीं हो सकता है। वो दोनों का आपस में हम लोग बातचीत करके बंटवारा करेंगे।